क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट ऑब्टेन 4 int वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। ये हम लोगों को करना है ASP.NET विथ C# से, ये याद रखना है। हम लोगों को कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है, C# लैंग्वेज यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे विजुअल स्टूडियो में। और मैंने अपने PC पे विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल किया है, तो ये मेरा, मैं अपना विंडो ओपन कर रही हूँ अभी। यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूँगी, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन, मैं ये सेलेक्ट करूँगी क्योंकि पहले ही से मैंने सेलेक्ट किया रिसेंट प्रोजेक्ट, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको नहीं, यहाँ पे आपने पहली बार इंस्टॉल किया, पहली बार आप ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको है ना लिस्ट मिल जाएगी। आप ये याद रखो क्या है आपका, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। तो ये सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। नेम देना चाहते हो प्रोजेक्ट का, सॉल्यूशन का नेम, यू कैन गिव एनी नेम, अदरवाइज वही रखो। क्रिएट करो। अब यहाँ पे से क्या सेलेक्ट करोगे, एम्प्टी, क्या सेलेक्ट करना है, एम्प्टी, ठीक है। तो ये विंडो आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, अगर आपको यहाँ पे ये, अगर आपको ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, व्यू में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, उस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो आपको दिख जाएगा। ओके, ये टैब दिख जाएगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है अपना वेब एप्लीकेशन 23, जो भी लिखा है, जो भी आपका नेम रहेगा वो। वहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ऐड, ऐड में क्या करोगे, यहाँ पे न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम, और उसके बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, वेब फॉर्म। ये याद रखना है कि ये विजुअल C# रहना चाहिए, हाँ, नहीं तो VB कुछ सेलेक्ट है या कुछ और सेलेक्ट है। तो हम लोग विजुअल C#, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वेब फॉर्म। वेब फॉर्म के बाद ऐड, ऐड पे क्लिक करो। ओके, ऐड पे क्लिक हो गया, ये आ गया हम लोगों का। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सोर्स स्प्लिट डिजाइन, मतलब अभी हम लोग किस पे है, सोर्स पे है ना। अभी मुझे डिजाइन पे जाना है तो मैं ये डिजाइन टैब पे क्लिक करूंगी तो आ जाऊंगी डिजाइन टैब पे, ठीक है। तो ये डिजाइन टैब, ये सोर्स, स्प्लिट करोगे तो दोनों चीज़ें आपको साथ में दिखेगी, डिज़ाइन भी दिखेगा और सोर्स भी दिखेगा। बट हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों को डिज़ाइन अलग चाहिए मुझे और सोर्स अलग चाहिए। ओके, तो ये है मेरा डिज़ाइन पार्ट। और लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा टूल बॉक्स, है ना, पहले ही से क्रिएटेड है। सिर्फ अपने को क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करो यहाँ पे, ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है। तो आप क्या करो, सिर्फ डबल क्लिक करो। आप क्वेश्चन पे आ जाओ, अपना क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट ऑब्टेन 4 integer वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। अपने को क्या करना है, 4 value यूजर से एक्सेप्ट करना है और उसका प्रोडक्ट एक कहीं पे भी डिस्प्ले करना है। ऐसे कुछ दिया नहीं कि आपको टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है, आपको लेबल ही लेना है, ऐसा कुछ दिया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे डिजाइनिंग में, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 text box लेंगे, 4 label लेंगे और एक बटन लेंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसमें हम लोग अपना जो आंसर है, जो रिजल्ट है वो लेके आने के लिए हम लोग उसमें सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले ले रही हूँ पहले लेबल एंड देन टेक्स्ट बॉक्स 1, हाँ, फिर यहाँ पे मैं ले रही, ये पहला प्रैक्टिकल है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बता रही हूँ कि तुम लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो ये मेरा लेबल 1 हो गया, लेबल 2 हो गया, यहाँ पे मेरा है लेबल 3, और थर्ड वैल्यू के लिए यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए। आप थोड़ा डिजाइनिंग में चेंज कर सकते हो, आप डिजाइनिंग और अच्छे बना सकते हो, कलर दे सकते हो, फॉन्ट दे सकते हो, फुल कलर दे सकते हो, वो सब आप चेंजेस कर सकते हो। बट अभी हम लोग पहले सिर्फ थोड़ा सा सिंपल देखेंगे कि ओके, तो मेरे पास कितने लेबल हो गए, 4 label, 4 text box। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ जिसमें हम लोग प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बटन। ओके, अब मेन अपना काम चालू होता है। अब लेबल पे मुझे क्या लिखना है, जो भी लिखना है या कुछ भी करना है आपको, पर्टिकुलर कंट्रोल पे या जो भी आपने यहाँ पे कंट्रोल्स ली है उस पे आपको जो भी काम करना है, जो भी टूल्स लिए है, जिस पे भी काम करना है, आपको राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो। ये आ गई मेरी प्रॉपर्टी विंडो। तो आपको वो कंट्रोल पे या वो टूल पे क्या दिखना चाहिए, क्या लिख के आना चाहिए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी में चेंजेस करोगे आप, टेक्स्ट में। ये देखो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप चेंज करोगे। यहाँ पे सपोज आई राइट ए, ओके, तो अभी देखो ए लेबल 1 में लिख के आएगा, ये आ गया, हाँ। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ आई राइट बी, तो यहाँ पे बी लिख के आ गया। सेम
लेबल 3, ये देखते जाओ यहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग, यहाँ पे सपोज लिखा मैंने सी और यहाँ पे मैंने लिखा डी, तो ये क्या है, टेक्स्ट है। कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट है, उसका नाम नहीं है, ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब नाम देखने के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 3, इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 4, इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 5, ये है बटन। बटन पे मुझे लिख के आना चाहिए ओके, तो ये आ गया मेरा बटन। ओके, तो आप डिज़ाइन हम लोग बाद में, और अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग और डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, फोर कलर, फॉन्ट कलर, सब सब देखो यहाँ पे है, प्रॉपर्टी में जाओगे ना ये देखो, तो आपको सब दिखेगा, आप बैक कलर वो सब सब चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हम लोगों का भाई, डिज़ाइनिंग तो हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या चाहिए कि यूज़र पहले इस पे नंबर डाले, और जब मैं ओके पे क्लिक करूँ ना, तो ये चारों का प्रोडक्ट मुझे इस पे डिस्प्ले हुई। हाँ, क्लिक करूँ तो ये सब होना चाहिए काम। तो ये क्या करूँगी मैं, ये बटन पे है ना, आप क्या करो, डबल क्लिक करो बटन पे, डबल क्लिक करो बटन पे, जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना, ये विंडो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो आ गया, बटन पे क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गया। उसके बाद ये क्लिक इवेंट पे, ये बटन की क्लिक इवेंट पे आपको वो सब लिखना है कोड। कौन सा कोड, कि यूज़र यहाँ पे ये जो भी नंबर दे रहा है, ये चार टेक्स्ट बॉक्स में जो भी नंबर दे रहा है, उसका हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल में ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू एक वेरिएबल में सेव करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 का वैल्यू एक वेरिएबल में सेव करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 का वैल्यू एक वेरिएबल में सेव करेंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, चार वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया मैंने चार वेरिएबल, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, रिजल्ट के लिए मैंने एक सम ले लिया। ओके, अब ये ए बी सी डी वेरिएबल का नेम है, ये सब नहीं है। हाँ, ये तो लेबल का नेम है ना, लेबल का नेम नहीं है, टेक्स्ट लेबल के ऊपर मैंने लिखा है, आप वेरिएबल का नेम और वो सेम ऐसे देना, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। तो ये तो हो गया। अब मैं क्या बोलूंगी कि मुझे ए में क्या चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में डाला है ना आपने, वो चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, देखो ए इक्वल टू इंट डॉट पार्स टेक्स बॉक्स 1, ये इसका नाम क्या है, टेक्स बॉक्स 1। मेरे को कैसे मालूम, मुझे कैसे पता चला कि इसका नाम टेक्स बॉक्स 1 है, यूजिंग प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, इसका नेम क्या है टेक्स बॉक्स 1, इसका नेम क्या है टेक्स बॉक्स 2, टेक्स बॉक्स 3, तो हो गया है ना। फिर आप क्या करो, मैंने इसको ही कॉपी कर दे रही हूँ, अब क्या करूँगी, सिर्फ नेम चेंज करते जाऊँगी। कैसे, ये देखो मैं 4 टाइम्स इसको कॉपी कर दे रही हूँ। अब मेरा सेकेंड वेरिएबल का नेम क्या है, बी, और उसमें किसका वैल्यू सेव करना है मुझे, टेक्स्ट बॉक्स 2 का, और सी में किसका करना है, टेक्स्ट बॉक्स 3 का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी, और यहाँ पे लिख देती हूँ डी। ओके, ए बी सी डी। अब एस में क्या करना है आपको, ए बी इंटू सी इंटू डी, हो गया प्रोडक्ट, हो गया प्रोडक्ट, ऐसे ही करते हैं ना, एस इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, हो गया। अब ये एस जो है अपने को किसमें सेव करना है, ये वाले इसमें, ये टेक्स्ट बॉक्स में, क्या नाम है ये टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टी एक्स टी इक्वल टू एस डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये क्या किया हम लोगों ने, एस क्या है हम लोगों का, इंटीजर ना, अब हम लोग उसको फिर से किसमें कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग में, तो वो किसमें चला जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 5 में। अब देखो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, F5 प्रेस करो यहाँ पे, या फिर रन बटन पे क्लिक करो, तो देखो ये विंडो अपना ओपन होगा। ए में मैंने वैल्यू डाला 7, बी में वैल्यू डाला मैंने 9, यहाँ पे डाला मैंने 6, यहाँ पे डाला मैंने 8। अब ओके पे क्लिक करूँगी, ये आ गया, ये तीन चारों का क्या है मेरे को, प्रोडक्ट मिल गया, सी दिस, है ना। तो ये रहा हम लोगों का पहला प्रैक्टिकल, जो सबसे पहले आप कोडिंग करो, यहाँ पे डिज़ाइनिंग करोगे, और डिज़ाइनिंग थोड़ा आप चेंज कर लो अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए।
और ये हम लोगों का इतना जो है इतना ये पार्ट क्या था हम लोगों का कोडिंग था बटन क्लिक पे।